हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की सेवा करने वालों, बड़े ध्यान से सुनिए। जिन जिनके घर में लड्डू गोपाल जी है, वो ये जान लें कि वो सिर्फ लड्डू गोपाल नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण हैं। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पूर्ण ब्रह्म रहता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ साक्षात बैठते हैं। और जैसे जिसकी भावना, जैसे जिसकी आस्था, वैसा उसका अनुभव होता है। तो मैं यकीन से आज कहती हूँ आपको, अगर आपकी आस्था सच्ची है, आपका विश्वास सच्चा है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपके आसपास आए। बस विश्वास रखिए कि वो आपकी मदद हमेशा करेंगे। ऐसा ही कृष्ण के बारे में एक प्रसंग मैं सुनाने वाली हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत पहले की बात थी, एक संतों की टोली वृंदावन आ रही थी, वो ट्रेन में आ रही थी। ट्रेन में भक्ति भावपूर्ण सब भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। और उन्हीं संतों में एक संत थे जो हमेशा अपने ठाकुर जी को अपने पास रखते थे। वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ ही रखते थे और बहुत प्रेम से उनको रखते थे, हमेशा उनको भोग लगाते थे। ट्रेन में जब वो कीर्तन कर रहे थे, तब अपने साथ ही उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ रखा था और उनको कह रहे थे कि देखिए, हम लोग भजन कर रहे हैं तो आप लोग भी सुनिए। सब भक्त भजन करते करते लीन हो गए और ऐसे में ही भजन करते करते मथुरा स्टेशन आ गए और सब संत मथुरा स्टेशन उतर गए, पर लड्डू गोपाल वहीं ट्रेन में रह गए। किसी को ध्यान नहीं रहा कि वो वहीं पर रह गए। वो लोग भजन करते करते इतने मगन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे लड्डू गोपाल ट्रेन में रह गए हैं। जब वो धर्मशाला पहुंचे, तब उन्होंने फिर से कीर्तन किया और भगवान का पूरे रास्ते भजन कीर्तन करते हुए आए थे। तब उनको पता चला कि भाई, हमारे लड्डू गोपाल तो ट्रेन में रह गए। और जब उन्होंने स्नान करके भोग लगाने का प्रयत्न किया, तब उनको याद आया कि भाई, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए। सबको उन्होंने पूछा कि भाई, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरे ठाकुर जी को किसी ने चोरी कर लिया। पहले तो ऐसे ही सोचने लगे, मेरी कौन सी गलती हो गई कि ठाकुर जी मुझसे रोस्ट हो गए, क्या किसी ने मेरी चोरी कर लिए हैं। या सबसे पूछने लगे, किसी ने ले लिए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं। सब जगह उन्होंने ढूंढा और एक दूसरे संत ने उनसे कहा, क्या आपने ट्रेन में ठाकुर जी को बाहर निकाला था। तो तब उनको याद आया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उनको बाहर निकाला था। तब उनको याद आया कि मैंने ठाकुर जी को बहुत ही ऊंचे स्थान पर बिठाया था और मेरे ठाकुर जी तो ट्रेन में ही रह गए। अब सब साधु संत दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि हमारे प्रभु जी, हमारे लाल जी, जिनके साथ हम आए हैं, वो ट्रेन में रह गए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे प्रभु जी ट्रेन में रह गए हैं, तो आप कुछ कीजिए। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कौन सी ट्रेन से आप आए थे। तो उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने बोला कि वो ट्रेन तो अभी तक चली नहीं है, ट्रेन आगे जा ही नहीं रही है। स्टेशन मास्टर ने कहा, वो ट्रेन तो कब से चली नहीं रही है, स्टेशन पर ही है। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन से सीट पर थे, आप जाकर देखिए, वो ट्रेन वहीं पर खड़ी है। सारे संत वहां पर दौड़कर पहुंचे और जाकर देखा, अपनी सीट पर जाकर देखा और लालजी महाराज वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। सारे संत की आंखों में अश्रु आ गए और अपने लालजी महाराज को लिया, बहुत प्यार किया और भागकर दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास आए और कहा, मेरे लालजी महाराज मिल गए हैं। और स्टेशन मास्टर का बहुत धन्यवाद किया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन चलने लगी, जो काफ़ी प्रयत्न के बाद नहीं चल रही थी। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के
रचयिता है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वो अनंत ब्रह्मांड में जो भी है वो उनके अधीन है। सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ उनके अधीन है और सब उनके आदेश का पालन होता है। और जब भी जो भी होता है वो एकदम परफेक्ट करते हैं। और अगर आप उन पर भरोसा करके कोई भी काम करते हैं तो वो ज़रूर आपकी आस्था को आँच नहीं आने देते। बस एक चीज़ आपको करनी है कि आपको पूर्ण विश्वास रखना है। आपके मन में अगर कोई डर है, कोई चिंता आपको सताती है, तो आपको आपकी सारी चिंताएं, आपके डर को प्रभु जी को दे देना है। लाल जी महाराज आपकी सारी चिंताएं दूर करेंगे। जब भी आपके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इनको भोग लगाती हूँ, पूरा दिन मैं उनका भजन कीर्तन करती हूँ, तो भी प्रभु मेरे क्यों नहीं सुनते, मेरे जीवन में इतनी सारी कष्ट क्यों है। पर यही तो आपकी परीक्षा है। आपको पूर्ण विश्वास रखना है। जब भी आपका कोई कांड ना हो रहा हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लालजी महाराज आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रहे हैं। तो बस लालजी महाराज पर आप विश्वास करिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।